हेलो, जय हिंद, नमस्कार साथियों। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डी के एजुकेशन क्रांति में स्वागत है। अब होगी कलम से क्रांति साथियों, इसके माध्यम से अपन आगे बढ़ते हैं वीडियो के अंदर। वीडियो के अंदर अपन देखेंगे जो दिल्ली फायर सर्विस है, दिल्ली फायर सर्विस के अंदर अपन इसके अंदर देखेंगे कि जो 2019 के अंदर साथियों, 2019 के अंदर जो भर्ती आई थी, 2019 का अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, तो रिजल्ट कब तक आने की संभावना है। और साथियों इसके अंदर यही वैकेंसी और देखेंगे कि जो न्यू वैकेंसी है, न्यू वैकेंसी कब तक आ सकती है, न्यू वैकेंसी के बारे में चर्चा करेंगे। और इसके जो रिजल्ट है, रिजल्ट के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि साथियों अभी कुछ दिन पहले आपने सभी ने आंदोलन भी किया था, आंदोलन का कुछ हल निकला या नहीं निकला, रिजल्ट कब तक आने की संभावना है, और जो न्यू वैकेंसी है दिल्ली फायर सर्विस की, फायर ऑपरेटर की, वो कब तक आने की संभावना है साथियों। तो चलो साथियों, इससे पहले अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि साथियों आपको इस चैनल के ऊपर इसी प्रकार की यहाँ पर वैकेंसी से संबंधित अपडेट यहाँ पर मिलती रहती है। फिर चाहे गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर, प्राइवेट सेक्टर के अंदर, जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो भी वैकेंसी निकाल जाती है, यहाँ पर आपको साथियों तुरंत अपडेट मिल जाती है साथी। तो पहले तो इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं कि कौन सी वैकेंसी के बारे में अपन चर्चा करेंगे पहले। तो साथियों पहले मैं बता देता हूं आपको, जो 2019 के अंदर जो वैकेंसी आई थी साथियों, यहां पर आप देख सकते हैं कि जो 7 तारीख 10वां महीना यानी कि 7 अक्टूबर 2019 को जो वैकेंसी का अपडेट आया था, यानी कि ओपन हुआ था फॉरम, और जो 6/11/2019 को क्लोज हो गया था फॉरम, उसके बारे में यहाँ पर साथियों चर्चा करेंगे साथियों। और इसके अंदर जो पोस्ट आई हुई थी अभी 18/19, जो पोस्ट कोड है इसका 18/19 पोस्ट कोड है, और जो भाई वैकेंसी किसकी आई थी, फायर ऑपरेटर की, वह मेल के लिए, ओनली मेल, इसके अंदर फीमेल अप्लाई नहीं कर सकती थी, तो मेल के लिए ये वैकेंसी आई थी। इसके बारे में चर्चा करेंगे, दिल्ली फायर सर्विस की वैकेंसी थी, ग्रुप सी की वैकेंसी थी साथियों। ये पे ग्रेड था इसके अंदर, वो था साथियों इसके अंदर 2000 पे ग्रेड था, और ये वैकेंसी कितनी आई थी, 706 वैकेंसी यहाँ पर आपको देखने को मिली थी, DSSB के द्वारा ये वैकेंसी निकाली गई थी साथियों। इसके बारे में चर्चा करेंगे तो इसका जो रिजल्ट है, क्योंकि साथियों 2019 से ये वैकेंसी का भाई कभी जो अभी है, कुछ दिन पहले कभी क्या होता है, कभी क्या होता है आंसर किया थी, बहुत दिन से ये पेंडिंग में चल रही है साथ, लगभग बहुत दिनों का अंतराल देने के बाद में कभी क्या करवाते हैं, कभी क्या करवाते हैं। अभी साथियों इसके अंदर जो पीएटी जो है, पीएटी करवा लिया गया है, लेकिन साथियों अब साथी पूछ रहे हैं इसके अंदर जो रिजल्ट है, रिजल्ट कब तक जारी किया जाएगा। रिजल्ट के बाद में जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल होगा, तो वो तो जल्दी हो जाएगा आपका, लेकिन साथियों रिजल्ट है मैन, तो रिजल्ट साथियों आपको मैं बता देता हूं, तो रिजल्ट है आपका लगभग नवंबर लास्ट तक आपका रिजल्ट आपको देखने को मिल सकता है। अगर नवंबर से पहले भी अगर आप इसको चाहते हो रिजल्ट को, तो साथियों मैं आपको बता दूं, अगर आप जहां वहां पर आंदोलन के ऊपर जाकर बैठे थे धरना प्रदर्शन के लिए, अगर साथियों आप लगभग 5 से 10 दिन और बैठ जाते तो वो आपको वहां पर डेट और मंथ दोनों बता देते, डेट और मंथ दोनों बता देते कि कितनी डेट को आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा। उन्होंने ये बोल दिया कि भाई इस मंथ के अंदर, अगले महीने के अंदर आपका जारी कर देंगे, इस तारीख को जारी कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता साथियों। उन्होंने आपको बोला कि अगले महीने जारी कर देंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं, आप तो हमारे को डेट दे दो, उस डेट को हम देख लेंगे। तो साथियों ऐसा कोई डेट वगैरह जो बोर्ड है, बोर्ड ने ऐसा कोई कर्मचारी जो ऑफिसर वगैरह है, उन्होंने ऐसी डेट वगैरह कुछ भी नहीं दी है। लेकिन साथियों आपको इसके अंदर डीमोटिवेट नहीं होना है, और आपको ध्यान रखना है साथियों, आपका रिजल्ट है जो नवंबर के लास्ट तक आने की पूरी पूरी संभावना है, और नवंबर के लास्ट तक आ जाएगा, फिर बाद में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा और जो मेडिकल वगैरह होगा, तो लगभग आपको फरवरी मार्च तक आपको यहाँ पर इसका जो ज्वाइनिंग वगैरह है वो दे दी जाएगी। अब कुछ साथी पूछेंगे कि सर इसका जो रिजल्ट तो आ जाएगा, लेकिन जो न्यू वैकेंसी है, अब जो न्यू वैकेंसी है वो कब तक आएगी। तो साथियों जब भी इसका रिजल्ट जारी होगा, रिजल्ट जारी होते ही लगभग 4 से 5 महीने के अंदर आपकी जो न्यू वैकेंसी है, न्यू वैकेंसी भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, क्योंकि न्यू वैकेंसी है कमिंग सून लिख रहा है, तो बहुत दिनों से पेंडिंग में पड़ी हुई है, तो ये पेंडिंग में पड़ी हुई जो न्यू वैकेंसी, वो भी आपको लगभग रिजल्ट आने के 4 से 5 महीने के अंदर आपको यहाँ पर ऑफिशियल साइड है इसके ऊपर देखने को मिल जाएगी। जब भी आपकी जो वैकेंसी आएगी, वैकेंसी आते ही आपको हमारे जो यूट्यूब चैनल है इसके ऊपर आपको तुरंत अपडेट मिल जाएगा। तो चैनल पर अगर आप नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करके रखें, क्योंकि साथियों आपको इस चैनल के ऊपर तुरंत आते ही
अगर दिल्ली फायर सर्विस की आप वैकेंसी चाहते हैं तो आते ही आपको जो नोटिफिकेशन जारी होते ही आपको यहाँ पर तुरंत अपडेट मिल जाएगी। और साथियों जो भी जो जिसने भी हमारे जो ऑफिशियल जो व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम चैनल है, अगर वो ज्वाइन नहीं कर रखा है तो ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको तुरंत पीडीएफ मिल जाती है। आते ही लगभग 10 से 15 मिनट के अंदर वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाती है और लगभग आधे घंटे के अंदर, आधे या एक घंटे के अंदर आपको यहाँ पर वीडियो यहाँ पर उपलब्ध हो जाती है। साथियों तो चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। वीडियो साथियों आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें।